हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना चौथा किंगडम जो कि है किंगडम प्लांट। जैसा कि आप जानते हो कि हम लोग क्लास नाइन्थ बायोलॉजी का थर्ड चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे थे, जिसमें कि हम लोग फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन स्टडी कर रहे थे जो कि आर एच व्हिटकर ने प्रपोज किया था, जिसमें पहला किंगडम था किंगडम मोनेरा, सेकेंड था किंगडम प्रोटिस्टा, थर्ड था किंगडम फंगी, फोर्थ था किंगडम प्लांटी एंड फिफ्थ था किंगडम एनिमालिया। तो हम लोग सारे किंगडम्स बारी बारी से पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने सबसे पहले किंगडम मोनेरा के बारे में स्टडी किया। किंगडम मोनेरा किसका किंगडम था? सारे के सारे प्रोकैरियोट्स का किंगडम था किंगडम मोनेरा। किंगडम प्रोटिस्टा यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स का था। किंगडम फंगी प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म था जिसके पास क्लोरोफिल नहीं था और वेस्कुलर टिश्यूज नहीं थे। और फिर आज हम लोग बात करने वाले हैं किंगडम प्लांटी के बारे में, जिसके बारे में हम लोग, ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक होगा, बाकी सारे जितने भी लेक्चर्स आए हैं सारे किंगडम्स एक एक लेक्चर में निपटते चले गए। लेकिन आप देखोगे किंगडम प्लांटी में चार पांच लेक्चर लगेंगे और किंगडम एनिमालिया में तो ज्यादा लेक्चर लगेगा, हो सकता है 10-12-15 के आसपास भी लेक्चर लग सकता है। तो हम लोग पढ़ेंगे उसको बारी बारी से। आज हम लोग शुरू करते हैं किंगडम प्लांटी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, होप आप सभी घर में होंगे और स्वस्थ होंगे। तो चलिए बच्चों, किंगडम प्लांटी क्या बात करेंगे। सबसे पहले आप जानते हो कि चार बेसिस पे तो होता है क्लासिफिकेशन। फर्स्ट इज सेल टाइप, कैसा सेल है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। तो बताओ किंगडम प्लांटी का कैसा होगा, यूकैरियोटिक। यू नो यूकैरियोटिक, व्हाट डू यू मीन बाय यूकैरियोटिक। यूकैरियोटिक मींस इसके सेल्स के पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होंगे लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारी चीजें मौजूद होंगी। ओके, किंगडम प्लांटी में यूकैरियोटिक फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक इज यूकैरियोटिक। सेकेंड, मल्टी सेलर, यानी इनके बॉडी में एक से ज्यादा सेल होगा, मल्टी सेलर। थर्ड इज इसका जो सेल है उस पे सेल वॉल है या नहीं, ये भी देखते थे ना। तो किंगडम प्लांटी के जो सेल्स होंगे उनके पास सेल वॉल होगा और वो सेल वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। सेलुलोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट आप जानते हो ना, शुगर, कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर, आप समझ लो। अब आपको कहे सर शुगर तो सेलुलोज शुगर है क्या, बिल्कुल है बउआ, वो कार्बोहाइड्रेट है, सभी कार्बोहाइड्रेट्स को शुगर कहा जा सकता है। हाँ, वो शुगर नहीं है जो हम खाते हैं, हम लोग जो खाते हैं वो सुक्रोज है, ध्यान से सुनिएगा, हम लोग जो खाते हैं वो क्या है, सुक्रोज है। और प्लांट का सेल वॉल जिस शुगर का बना हुआ है वो सेलुलोज है, आया समझ में। तो सेलुलोज है, एक बात बताओ दुनिया में सबसे अधिक कौन सा शुगर मौजूद होगा, ऑब्वियस है सेलुलोज, क्योंकि दुनिया में सब इतने ज्यादा प्लांट हैं तो हर एक का सेलवाल किसका बना हुआ है, सेलुलोज का। तो सोचो कितना शुगर है सेलुलोज के फॉर्म में, समझ में आया ना। चलो ठीक है, उसको छोड़ते हैं। तो सेलवाल, इसके पास सेलवाल होगा, किंगडम प्लांटी के सेल्स के पास सेलवाल होगा और सेलवाल किसका बना होगा, सेलुलोज का बना होगा। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये देखते थे, यही चार चीज तो हम देखते थे कि सेल टाइप कैसा है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, यूनिसेलर मल्टीसेलर, फिर हम देखते थे कि उसके पास सेल वॉल है या नहीं है, है तो कैसा है, और चौथा चीज हम देखते थे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन कैसे है। तो ये सारे के सारे मेंबर्स किंगडम प्लांटी के जितने भी मेंबर्स हैं, किंगडम प्लांटी के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, सारे के सारे फोटो ऑटोट्रॉफिक होते हैं। फोटो ऑटोट्रॉफिक मींस ये अपना फूड फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे, किससे बनाएंगे, फोटोसिंथेसिस से। यू नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कोई ऑर्गेनिज्म कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करता है और सोलर एनर्जी को यूज करते हुए अपना फूड खुद से सिंथेसाइज करता है अपने एक सेल ऑर्गेनेल के अंदर, जिस सेल ऑर्गेनेल का नाम है क्लोरोप्लास्ट, जिसके अंदर मौजूद होता है क्लोरोफिल। आई होप समझ में आ गया होगा। तो जितने भी इसके मेंबर्स हैं वो फोटो ऑटोट्रॉफिक हैं। आई होप आपको समझ में आ गया। तो किंगडम प्लांटी उन मेंबर्स को इंक्लूड करेगा जो यूकैरियोटिक होंगे, मल्टीसेलुलर होंगे, सेलवाल होगा सेलुलोज का, एंड फोर्थ इज कि वो फोटो ऑटोट्रॉफिक होंगे, यानी अपना फूड वो खुद से सिंथेसाइज करेंगे बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हम बारी बारी से देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इज यूकैरियोटिक, यू नो यूकैरियोटिक, समझ गए। मल्टीसेलुलर, आप जान गए मल्टीसेलुलर, सेल वॉल ऑफ सेलुलोज, समझ में आ गया। नेक्स्ट इज फोटो ऑटोट्रॉफिक, समझ में आ गया। अब देखिए सेल्स हैव लार्ज सेंट्रल वैक्यूल, यू नो प्लांट सेल्स, प्लांट सेल्स के पास एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है, प्लांट सेल्स के पास एक बड़ा सा सेंट्रल वैक्यूल होता है जो न्यूक्लियस को भी साइड कर देता है। आपने सेल चैप्टर में पढ़ा, अगर नहीं पढ़ा तो पहले सेल के लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, ऑलरेडी अवेलेबल है। तो इसके सेल्स के पास लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होगा, ये अपना फूड स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट। ये अपने फूड को स्टोर करेगा या तो स्टार्च के रूप में या फैट के रूप में, प्रोटीन के रूप में स्टोर नहीं करेगा, ये ध्यान रखिएगा। प्रोटीन कुछ ही सेल्स ऐसे, कुछ ही प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें प्रोटीन होता है। मोस्ट ऑफ द प्लांट्स अपना फूड जो स्टोर करते हैं वो किसके रूप में स्टोर करते हैं, या तो स्टार्च के रूप में या फैट के रूप में,
लिपिड के रूप में। आई होप समझ में आ गया हो आपको। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इनका जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूअस है। किंगडम एनिमालिया, हम लोग जो है एनिमल्स का ग्रोथ क्या होता है? ग्रोथ एक समय तक होता है, उसके बाद रुक जाता है। हम लोगों में ग्रोथ कब तक होता है? 18, 19, 20 साल तक ग्रोथ होती है, उसके बाद रुक जाता है। लेकिन प्लांट की बात करें, जीवन भर ग्रोथ होता रहता है, नए नए ऑर्गेन्स पैदा होते रहते हैं। हमारे बॉडी में जो ऑर्गेन्स आना था एक एज तक आते आते सारा आ जाता है, उसके बाद कोई भी नया ऑर्गेन हमारी बॉडी में नहीं आता है। लेकिन प्लांट की बॉडी में ग्रोथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार ग्रोथ होता रहता है, नए नए पत्ते निकलते रहते हैं, नए नए फूल लगते हैं, नए नए फल लगते हैं, ना? तो ये सारी चीजें, तो प्लांट्स का ग्रोथ क्या है? कंटिन्यूअस है, लाइफ टाइम चलने वाला ग्रोथ है। एंड नेक्स्ट अगर बात करें, इररेगुलर शेप्ड, इसका कोई शेप्ड फिक्स नहीं होता है, कोई फिक्स शेप नहीं है। क्यों? क्योंकि इनके पास ब्रांचेज होती है, तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेज दे हैव अ इररेगुलर शेप। इसका कोई फिक्स शेप नहीं है। दुनिया में जितने भी ह्यूमंस है सबका शेप एक जैसा है ना? लगभग शेप, साइज अलग अलग है, छोटा बड़ा, लेकिन शेप तो सबका एक जैसा है। लेकिन प्लांट्स की बात करो, क्या दुनिया में सारे के सारे प्लांट्स एक जैसे हैं? या मान लो कि एक ही बात, आम का ही पौधा की बात करते, क्या सभी आम के पौधे एक जैसे हैं? नहीं है, ब्रांचेज है ना, किसी का ब्रांचेज इधर से निकला, किसी का ब्रांचेज उधर से निकला। हम लोग में कैसा है, किसी का ऐसा होगा कि हाथ यहां से इधर निकल गया हो? कभी नहीं निकलेगा। कान यहां से घसक के यहां आ गया? कभी नहीं होगा। हम लोग का एक फिक्स शेप है, लेकिन प्लांट्स का एक इररेगुलर शेप है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ ब्रांचेज। ब्रांचेज जहां से निकलेंगी उसी हिसाब से होगा। आई होप आपको समझ में आ गया हो। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किंगडम प्लांटी, नोट में लिखा हुआ है। अब बात करते हैं किंगडम प्लांटी, बहुत बड़ा किंगडम, इतने सारे स्पीसीज, इतने सारे स्पीसीज को तो एक बार में तो पढ़ेंगे नहीं, इसके अंदर में फर्दर डिविजन्स होंगे। ना हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं, ग्रुप्स के अंदर में ग्रुप्स बनाते हैं, ग्रुप्स के अंदर सब ग्रुप्स बनाते हैं, तो किंगडम प्लांटी के अंदर में भी हम डिविजन करेंगे, हम टाइप्स बांटेंगे, और वो टाइप्स बटेगा पांच में। फर्स्ट इज ब्रायो, फर्स्ट इज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स। तेजी में हो गया, फिर से बोलते हैं। फर्स्ट इज थैलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, थर्ड इज टेरिडोफाइटा, फोर्थ इज जिम्नोस्पर्म्स, एंड फिफ्थ इज एंजियोस्पर्म्स। चिंता मत कीजिए, सभी को हम बारी बारी से पढ़ेंगे, एक एक लेक्चर हर एक पर आएगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आज हम बस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो सवाल उठता है, अब देखो क्लासिफिकेशन, तो क्लासिफिकेशन जब भी होता है तो उसका कुछ बेसिस होता है ना, कुछ बेसिस होगा, कुछ चीजें देखकर करेंगे। क्या क्या देखकर करेंगे? तो किंगडम प्लांटी का जो फर्दर क्लासिफिकेशन होता है वो चार चीजों को देखकर होता है। ध्यान से देखिएगा, चार चीजों। फर्स्ट इज बॉडी डिफरेंशिएशन, फर्स्ट इज बॉडी डिफरेंशिएशन, यानी जो बॉडी है उनमें डिफरेंशिएशन है या नहीं, यानी रूट्स, लीव्स, स्टेम्स, ये सारी चीजें एक दूसरे से अलग अलग है या नहीं, समझ रहे हो ना? लीव्स स्टेम अलग अलग, जैसे हम लोग आम का पौधा देखते हैं, हम अलग अलग दिखता है, स्टेम अलग दिखता है, लीव्स अलग दिखते हैं, रूट्स अलग दिखते हैं। लेकिन कई ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें बॉडी डिफरेंशिएशन होता ही नहीं है, रूट स्टेम लीव्स आपको अलग अलग नहीं दिखेगा, थैलस के रूप में दिखेगा। थैलस आप याद आया, किंगडम फंगी, थैलोइड, चलिए कोई बात नहीं, नहीं याद आया तो कोई चिंता नहीं है। तो सबसे पहला चीज हमें यह देखना है कि बॉडी डिफरेंशिएशन है या नहीं है, क्या रूट स्टेम लीव्स एक दूसरे से अलग अलग है कि नहीं, विजिबल है या नहीं, दिखते हैं कि नहीं, कि अलग अलग है या नहीं है, पहला चीज यही देखना है, बॉडी डिफरेंशिएशन। सेकंड चीज हमें क्या देखना है? सेकंड चीज हमें देखना है वैस्कुलर टिश्यू। वैस्कुलर टिश्यू मींस जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम फ्लोएम है या नहीं है। पहला चीज तो हमें यह देखना है कि जाइलम फ्लोएम है या नहीं है, और अगर है तो कैसे है, यह भी हमें देखना है कि है तो कैसे है, पूरा डेवलप है, पार्शियली डेवलप्ड है, क्या सारी बातें। तो हमें वैस्कुलर टिश्यू पर भी ध्यान देना है। क्या क्या देखना है? वेस्कुलर टिश्यू, आप समझ रहे हो ना? जैसे हम लोग किंगडम बांट रहे थे तो हम चार चीजें वहां देख रहे थे, क्या क्या देख रहे थे? सेल का टाइप देख रहे थे, मतलब यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक देख रहे थे, फिर उसके बाद हम क्या देख रहे थे, उसके बाद हम देख रहे थे कि सेलुलर, मतलब मल्टी सेलुलर, यूनिसेलुलर क्या था वो देख रहे थे। नेक्स्ट हम उसके बाद क्या देख रहे थे, सेलवाल देख रहे थे, और क्या देख रहे थे, न्यूट्रिशन देख रहे थे। यहां पर हमें क्या क्या देखना है, पहले हमें बॉडी डिफरेंशिएशन देखना है, यानी कि बॉडी के अंदर जो रूट स्टेम लीव्स हैं वो अलग अलग सेपरेटेड हैं या नहीं है, विजिबल हैं या नहीं है, एक ही में है। नेक्स्ट हमें देखना है वेस्कुलर टिश्यू, यानी जो जाइलम फ्लोएम है वो है या नहीं है, है तो कैसे है। और नेक्स्ट हमें इसके बाद हमें देखना है रिप्रोडक्शन मेथड, कैसे रिप्रोड्यूस कर रहा है। देखिए किंगडम प्लांटी के जो मेंबर्स होते हैं वो दो तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, या तो स्पोर के थ्रू, या तो सीड्स के द्वारा, या तो स्पोर्स होता है या सीड्स होती है। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके पास स्पोर होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसके पास सीड्स होता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर क्या डिफरेंस है दोनों में, स्पोर और सीड में? ध्यान से सुनिएगा मैं बोल रहा हूं। स्पोर यूनिसेलुलर होता है। स्पोर क्या होता है? यूनिसेलुलर। एक बात बताओ,
ये दोनों ही की दोनों सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से पैदा होंगे, S4 भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से और सीड्स भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। देख भाई ध्यान रखना, ये तुम वो S4 मत समझ लेना जो S4 के अंदर होता था और वो एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का था, ये S4 नहीं। ये S4 तब बनता है जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट मिलता है, समझ गए। तो इनका जो स्पोर्स होता है, स्पोर के बारे में अगर बात करो तो ये यूरी, अभी आप इतना याद रखो फिर हम लोग जब पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, चिंता मत करो। स्पोर्स जो होते हैं वो यूनिसेलुलर होते हैं और सीड्स के अंदर में इम्ब्रियो होता है। सीड्स के अंदर में क्या होता है? इम्ब्रियो होता है, यानी अब आप जानते हो जायगोट बनता है और जायगोट फिर फर्दर डिवाइड करके इम्ब्रियो बनाता है। जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट बनता है तो पहले एक सिंगल सेलुलर स्ट्रक्चर बनता है जिसे हम जायगोट कहते हैं, और वो जायगोट फिर डिवाइड करके इम्ब्रियो फॉर्म करता है। तो सीड्स के अंदर में इम्ब्रियो होंगे और स्पोर्स के अंदर में आप कह सकते हो कि जायगोट ही होगा, यानी सिंगल सेल पे ही अटका होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। और सीड्स जो होते हैं वो स्पोर्स जो होते हैं वो जनरली जो लीव्स होते हैं उनके लोअर पार्ट पे मौजूद होते हैं, समझ में आ जाएगा हम लोग, लीव्स पर मौजूद होता है। और सीड्स जो बनता है वो फ्लावर से बनता है। हम लोग देख लेंगे इन सब चीजों को, धीरे धीरे पढ़ेंगे ना समझ में आ जाएगा। अभी आप यही समझिए कि हमें ये देखना है कि रिप्रोडक्शन मेथड देखना है कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू या सीड्स के थ्रू। हमें ये देखना है कि रिप्रोडक्शन कैसे हो रहा है, स्पोर्स के थ्रू या सीड्स के थ्रू, उसके आधार पर हम बांटेंगे। और फिर उसके बाद देखना है सीड लोकेशन, सीड कहाँ है, सीड फ्रूट के अंदर है या सीड नेकेड है। अगर बीज है, पहले तो स्पोर हो गया, स्पोर के बाद हमें देखना है कि अगर बीज है, अगर सीड है तो सीड कहाँ है, फ्रूट के अंदर या नेकेड, उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन होगा। इन चार चीजों को हमें देखना है। फर्स्ट इज बॉडी डिफरेंशिएशन, सेकंड इज वैस्कुलर टिश्यू, थर्ड इज रिप्रोडक्शन मेथड सीड और स्पोर, एंड फोर्थ इज सीड लोकेशन इनसाइड द फ्रूट और नेकेड। अब अगर बात करो यहां पर हम डिवीजन करेंगे तो किंगडम प्लांट ही दो टाइप में बढ़ जाएगा, फर्स्ट इज क्रिप्टोगेमी एंड सेकेंड इज फेनेरोगेमी। ध्यान से देखिए यहां लिखा हुआ है, फर्स्ट इज क्रिप्टोगेमी एंड सेकेंड इज फेनेरोगेमी। ये किंगडम प्लांट के दो मेजर डिविजन है, दो मेजर डिविजन, फर्स्ट इज क्रिप्टोगेमी एंड सेकेंड इज फेनेरोगेमी। क्रिप्टोगेमी क्या होगा, सारे के सारे स्पोर वाले, जिनमें सीड नहीं है जिनमें स्पोर है, जो स्पोर से रिप्रोड्यूस कर रहा है। क्रिप्टोगेमी सारे के सारे स्पोर वाले हैं, जो भी स्पोर से रिप्रोड्यूस कर रहा है वो क्रिप्टोगेमी में जाएगा और जो सीड से कर रहा है वो फेनेरोगेमी में जाएगा। तो सीड्स वाले जितने हैं प्लांट वो किस में चले जाएंगे, फेनेरोगेमी में, और जितने भी स्पोर वाले हैं वो किस में आ जाएंगे, क्रिप्टोगेमी में। क्रिप्टोगेमी के अंदर में आपको तीन मेजर ग्रुप्स पढ़ने को मिलेगा, फर्स्ट इज थैलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा एंड थर्ड इज टेरिडोफाइटा। दीज आर द थ्री मेन डिविजन्स ऑफ क्रिप्टोगेमी। एंड फेनेरोगेमी आल्सो हैव टू डिविजन्स, फर्स्ट इज जिम्नोस्पर्म्स एंड सेकेंड इज एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर में फ्लावर्स नहीं होते हैं और एंजियोस्पर्म्स के अंदर में फ्लावर्स होते हैं, और जिम्नोस्पर्म्स के जो फ्रूट होते हैं, सीड्स होते हैं, वो नेकेड होते हैं, उनमें कोई फ्रूट नहीं होता है, और एंजियोस्पर्म्स में फ्रूट होता है। यानी जितने भी फल वाले पौधे, आम खाते हो, सेब खाते हो, अमरूद खाते हो, आप खाते हो ना फ्रूट्स, वो सारे के सारे किस में पड़ जाएंगे, एंजियोस्पर्म्स में पड़ जाएंगे। किस में पड़ जाएंगे बुआ, एंजियोस्पर्म्स में, समझ गए। और जिम्नोस्पर्म्स अगर आप जानना चाहो, सर जिम्नोस्पर्म्स का भी एक एग्जाम्पल दे दीजिए, तो जिम्नोस्पर्म्स का भी आपने एग्जाम्पल देखा है, साइकस जिम्नोस्पर्म्स में पड़ता है, पढ़ेंगे हम लोग तो वहां पे समझ में आ जाएगा सारी सारी। अब कल से तो हमें यही तो करना है, पहले दिन हमें थैलोफाइटा पढ़ना है, फिर नेक्स्ट डे ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म्स और फिर एंजियोस्पर्म्स। पांच लेक्चर में हमारे ये पांचों चैप्टर, पांचों टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया हो। आज के लेक्चर में हमने क्या बात की, किंगडम प्लांटी के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और किंगडम प्लांटी में जो फर्दर डिविजन्स होगा वो किन बेसिस पर होगा और कौन कौन से डिविजन्स हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे थैलोफाइटा के बारे में। सबसे पहले हम थैलोफाइटा के बारे में बात करेंगे क्योंकि थैलोफाइटा ही दुनिया का सबसे पुराना प्लांट्स माना जाता है। पढ़ेंगे हम लोग धीरे धीरे क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या उनका यूजेज है, क्या सारी बातें हैं देखेंगे हम लोग। तो ठीक है बच्चों, आई होप आपको आज का लेक्चर समझ में आया हो, मजा आया होगा जानने में, समझने में। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम बात करेंगे थैलोफाइटा के बारे में। नॉट अवेलेबल है, थैलोफाइटा का भी नॉट पहले मिल जाएगा, तो पहले नॉट लिख लीजिएगा तब लेक्चर देखना शुरू कीजिएगा। मैं फिर से कह रहा हूँ, इस चैप्टर के अंदर पहले नॉट फिर लेक्चर, पहले नोट लिख लीजिएगा, इसलिए मैं नोट ग्रुप में पहले डाल देता हूँ। तो जिन बच्चों ने ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है, अभी भी है, वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए पहले,
ग्रुप में टेस्ट भी होती है, सारी बातें होती है। तो ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए, अगर ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक अवेलेबल है डिस्क्रिप्शन में, उससे दबाइए और हो जाएगा काम। तो नोट्स पहले मिल जाएंगी, अगर कल अगर मैं थैलोफाइटा का लेक्चर पोस्ट करूंगा तो मैं आज ही उसमें नोट डाल देता हूँ, जिससे कि आप नोट्स पहले से लिख कर तैयार हैं। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, थैलोफाइटा के बारे में। सी यू सून, बाय बाय, टेक केयर।